एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? हाय फ्यूचर, हाय मनीषा, गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम 6th ऑफ जनवरी के करंट अफेयर के एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि यूपीएससी सीएससी के लिए रेलेवेंट होती है, 21 के लिए और 22 दोनों ईयर के लिए। ये जो क्लास है वो डेली रेगुलर होती है गाइज, लाइव होती है 9 AM जो अभी टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे ये रेगुलर हो रही है। डू लाइक द क्लास, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब योर चैनल दैट इज स्टडी आइस। सो गाइज, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी आइस को भी, और वे टू लबासना दोनों टेलीग्राम को आप ज्वाइन करके कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई क्लास है, कुछ भी है, तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। ओके मनीषा, आई एम ऑडिबल एंड ऑडिबल क्लियरली? ऑडिबल प्रॉपर है क्या? चलो, सो अनअकैडमी ने जीएस प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो रिलीज करा है, जिसके अंदर आपको बिगेस्ट जो डिस्काउंट है वो रिवील होगा। लाइक अगर आप जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों लेते हैं तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। जीएस के ये सभी फीचर्स हैं गाइस, की इंडिया की बेस्ट एजुकेटर लेते हैं, लाइव क्लास होती है, पीडीएफ मटेरियल, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप प्लस का ऑप्शनल और आइकॉनिक का जीएस लेते हैं 12 मंथ्स के लिए, तो आपको अराउंड 88,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा, राइट। 24 का लेते हैं तो 131 के अराउंड। अगर आप प्लस के दोनों जीएस और ऑप्शनल साथ में लेते हो तो गाइज आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा 12 मंथ्स के लिए 70,000 में। सो गाइज कॉम्बो भी आप ले सकते हैं। इसमें अगर आपको फर्दर डिस्काउंट चाहिए सो यू स्टडी आईएएस कोड एंड गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। इसके अलावा आपको 10% का ऑफ और मिल जाएगा। ओके, सेव योर मनी, राइट। हेलो नरेंद्र, हाय कमलेश, कैसे हैं आप सब? सो इस कोड को यूज कीजिए एंड गेट द एक्स्ट्रा 10% ऑफ। डन। सो गाइज, ये सारे हम टॉपिक करने वाले हैं, लाइक यूरेनियम एनरिचमेंट, सागरमाला प्रोजेक्ट, औरंग नेशनल पार्क, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इन्फ्लुएंजा, स्कूल बैग पॉलिसी क्या है, डैम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम क्या है, पेंगोलिन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ज्योग्राफी का इक्वेशन है, माइग्रेटरी बर्ड्स, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, नेशनल पार्क, IMD और बर्ड फ्लू, ये सारे टॉपिक आज के हमारे रहेंगे क्लास के। गुड मॉर्निंग राजश्री। सो चलिए, पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली ईरान हैज रिज्यूम्ड एनरिचिंग यूरेनियम अप टू 20% इन वायलेशन ऑफ द 2015 न्यूक्लियर डील, राइट, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द यूरेनियम एनरिचमेंट। अभी क्वेश्चन ये है कि भाई ईरान ने अपनी जो यूरेनियम को यूज करने की जो डील थी 20% की, जो 2015 में उसने वायलेट की थी, उसको रिज्यूम कर लिया है। आपको ये बताना है यूरेनियम एनरिचमेंट से रिलेटेड क्या चीज सही होती है। जो यूरेनियम 235 है इज ए फिजाइल मटेरियल दैट कैन सस्टेन अ चेन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, राइट। आप हिंदी में यहां से पढ़ लीजिए, एनरिचमेंट प्रोसेस डिक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ U-235 थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइसोटोप सेपरेशन, राइट। हाय कमिल, करेक्ट कोड बताना है, 1 only 2 only बोथ या फिर नन गाइज, Try to answer within the 30 seconds only. सिर्फ 30 सेकेंड के आंसर अंदर आंसर कीजिए एंड थिंक आंसर, अगर नहीं आता देन लर्न। ओके, पहला क्या कहता है, यूरेनियम जो एनरिचमेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है 235 और एक होता है 238, राइट। सो इसलिए कह रहा है कि जो 235 है वो एक फिजाइल मटीरियल है जो कि चेन रिएक्शन के अंदर सस्टेन कर सकता है ना न्यूक्लियर रिएक्टर। दूसरा ये कहता है कि अगर आप U-35 को एनरिच करते हो, एनरिचमेंट उसका करते हो थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइसोटोप सेपरेशन, सो उसकी प्रोपोर्शन 235 का जो प्रोपोर्शन है वो गिर जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड। आइसोटोप सेपरेशन का मतलब है कि अगर आप यूरेनियम में से 235 अलग कर दो, 238 जो यूरेनियम है उसको अलग कर दो, तो उसे बोलते हैं आइसोटोप सेपरेशन। वेरी गुड एवरीवन, सबने बहुत अच्छा आंसर किया है, ए इज द राइट आंसर।
ईरान ने रिज्यूम कर दी है कि अपनी एनरिचिंग यूरेनियम अप टू 20% इन वायलेशन ऑफ 2015 न्यूक्लियर डील, और उन्होंने सीज भी कर दिया है साउथ कोरियन फ्लैग टैंकर नियर द क्रूशियल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यूएसए ने इसके बीच में ये डिसाइड करा है कि उनका जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट है जिसका नाम निमिट्स है, वो इस गल्फ रीजन में जो है वहां पर लगा देंगे इन द वेक ऑफ थ्रेट फ्रॉम द ईरान। अगर ईरान की तरफ से कुछ भी उन्हें खतरा नजर आया तो वो वहां पर उसको लगा देंगे। ओके, यस, ए इज द राइट आंसर। बेसिकली यूरेनियम में दो तरीके के यूरेनियम एनरिचमेंट होते हैं। यूरेनियम एक 238 होता है, 235 होता है। 38 ज्यादा होता है 99% का, और ये अप्रोक्स जो है 0.7% रहता है, राइट। अगर आप एनरिचमेंट करते हो इन दोनों का, आप इनको एनरिच करते हो, तो 235 का जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइसोटोप सेपरेशन। अगर न्यूक्लियर वेपन के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, इसकी एनरिचमेंट जो होता है करीबन आपको 90% या उससे ज्यादा के लिए चाहिए होता है, जिसे आप कहेंगे कि हाईली एनरिच यूरेनियम या फिर वेपन ग्रेड यूरेनियम। इस चीज को याद रखना, अगर न्यूक्लियर वेपन के लिए कर रहे हैं सो 90% या उससे ज्यादा का एनरिचमेंट चाहिएगा, जिसे आप हाईली एनरिच बोलेंगे। अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए कर रहे हो तो 3-4% में भी काम चल जाएगा, जिसे लो रिच यूरेनियम या रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ सागरमाला सीप्लेन सर्विसेज विद पोटेंशियल एयरलाइन ऑपरेटर हैज बीन स्टार्टेड। Which is two statement about this program? अभी आपको पता है कि सागरमाला जो प्रोजेक्ट है वो अभी स्टार्ट हो गया है, एक मिनिस्ट्री के द्वारा उसको स्टार्ट किया गया है। आप ये बताइए ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवे विल स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज बीइंग इनिशिएटेड अंडर अ स्पेशल पर्पस व्हीकल फ्रेमवर्क थ्रू प्रोस्पेक्टिव एयरलाइन ऑपरेटर। द रूट्स में बी ऑपरेटेड अंडर द गवर्नमेंट सब्सिडाइज उड़े देश का आम नागरिक स्कीम या फिर ओला ट्रू। बताइए कि क्या इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवे ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा है सागरमाला को, क्या ये जो प्रोजेक्ट होगा वो स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर इनिशिएट करा जाएगा, क्या ये जो इसके रूट्स होंगे वो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के अंदर ऑपरेट करे जाएंगे, या फिर डी सारे सही हैं। गुड मॉर्निंग बर्नली गाइज, डू लाइक द क्लास एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। डी मीन्स कंप्लीटली डाउट है, यू हैव टू सेलेक्ट द राइट स्टेटमेंट। यहां पे ट्रू लिखा है, ओके चलो, इस राइट आंसर इज डी मनीषा, डी सही होगा, क्योंकि ये जो आपका सागरमाला प्रोजेक्ट होगा, एक मिनट इसको करते हैं यहां पे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट यहाँ पे जो आपकी क्या कहते हैं मिनिस्ट्री है वो इस चीज को स्टार्ट कर रही है, शिपिंग और वाटरवे जो है वो इसको स्टार्ट कर रहा है। एंड एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज, जो ये सी प्लेन है वो आपका वाटर में भी लैंड हो सकता है, ये गेम चेंजर है। एक्चुअली वो चीज मैंने इंक्लूड नहीं करी इसके अंदर, लेकिन ये जो है लैंड हाइरा एरोप्लेन डिजाइन फॉर द टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग ऑन द वॉटर, ये जो है वॉटर पर भी लैंड हो सकता है, दैट्स वाई ये वाली चीज ठीक है। उड़े देश का आम नागरिक ये स्कीम इसके अंदर ही ऑपरेट इसको करा गया है, ये वाली स्कीम बिल्कुल ठीक है। ओके, दूसरा क्या है कि सी प्लेन इज ए फिक्स्ड विंग एरोप्लेन डिजाइन फॉर टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग ऑन वाटर, और जो सी प्लेन सर्विस है विल अ गेम चेंजर प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट मींस ऑफ वाटर एंड कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द नेशन, ये एयर कनेक्टिविटी जो है वो भी प्रोवाइड कराएगा, दैट्स वाई हम ये कह रहे हैं कि उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के अंदर ये चीज आ जाएगी, ठीक है। टू वेरियस रिमोट रिलीजियस टूरिस्ट जो प्लेसेस होते हैं वहां पर टूरिज्म इससे अच्छा इंक्रीज हो जाएगा आपके डोमेस्टिक के लिए भी और इंटरनेशनल हॉलीडे मेकर्स के लिए भी। अभी क्लियर है? हाँ जी, हाँ, तो ये एयर कनेक्टिविटी, और ये इसमें उन्होंने बोला है ना कि गेम चेंजर है, तो गेम चेंजर का मतलब वही है कि एयर कनेक्टिविटी भी है और इसमें वाटर के लिए भी है, दोनों चीजें इसके अंदर।
ओके डन। सो अभी आपको थोड़े दिन पहले ये पता चला था कि आरबीआई ने डीपीआई इंडेक्स को लॉन्च करा था, राइट? अभी इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द आरबीआई। इन चारों में से कौन सी रिपोर्ट है जो आरबीआई के द्वारा पब्लिश करी जाती है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। सो आंसर करिए करेक्ट कोड 1942313134 या फिर ओला टू। बताइए। गिव द राइट आंसर एंड गिव ट्राई टू गिव इट ओनली विद इन 30 seconds। सिर्फ 30 seconds के अंदर आंसर कीजिए। डी ओ सी means you have doubt on the monetary policy report, right? चलिए, so is D is the right answer, क्योंकि सारी जो reports हैं वो इसके द्वारा निकाली जाती हैं। अब ये देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट कौन सेट करता है? ऑब्वियसली आरबीआई करता है, तो ऑब्वियसली इसकी रिपोर्ट जो है वो आरबीआई ही रिलीज करेगा। सो सेकंड आपका सही है। अगर सेकंड सही है तो बी और डी सही होगा। बी और डी तो आपके पास है अभी ऑप्शन। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज आप किसके पास रखे होते हैं? आरबीआई के पास रखे होते हैं। डॉलर कितने हैं, पाउंड हैं, यूरो है, ये सारे किसके पास है? आरबीआई के पास है। सो थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही होगी। सेकंड और थर्ड सही होती है तो बी तो बिल्कुल पक्का ठीक है। सी आप एलिमिनेट कर दीजिए, राइट? और डी में भी मतलब ये है कि ठीक ही होगा। फिर है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियली कितना स्टेबल है आपकी इंडिया के अंदर, वो भी कौन निकालता है? आरबीआई ही तो देखेगा और उसी के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसीज को ऊपर नीचे करेगा। सो फर्स्ट वाला भी बिल्कुल ठीक होगा। अगर फर्स्ट वाला ठीक है, टू ठीक है, थ्री ठीक है, तो डेफिनेटली आपका आंसर डी हो जाएगा। कोई डाउट ही नहीं होना इसमें, है ना? बी पे तो जाओ ही मत। आरबीआई इज द राइट आंसर। बेसिकली आरबीआई कौन कौन सी पब्लिश करता है रिपोर्ट को? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो कि क्वार्टरली करता है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड जो कि क्वार्टरली है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाफ ईयरली होती है, मॉनेटरी पॉलिसी भी आपकी हाफ ईयरली होती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हाफ ईयरली होती है। इसके साथ साथ आरबीआई ने एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को लॉन्च करा था ताकि डिजिटली कितनी पेमेंट हो रही है अक्रॉस द कंट्री उस चीज को कैप्चर करा जा सके। ओके, इस डीपीआई के अंदर कुछ पैरामीटर्स थे। कैन एनीवन आंसर कि वो पांच पैरामीटर कौन कौन से थे, कौन कौन से वर्ड्स थे? बताइए वो पांच पैरामीटर कौन कौन से थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ओरान नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क से रिलेटेड गलत स्टेटमेंट कौन सी है? इट इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ बैंक ऑफ द गंगा रिवर इन दरांग एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। द पार्क हैज अ रिच फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस, पिग्मी हॉग, एलिफेंट, वाइट बफेलो एंड टाइगर। इट इज ऑल्सो नोन एज अ राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। नन या फिर कोई भी इनमें से गलत नहीं है। सो इसको आंसर करो। ए, ओके, व्हाई इट इज रॉन्ग, रीजन भी बता दीजिए। ब्रह्मपुत्र रिवर, ओके। हाय अश्वनी, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग शिवम। ए, रीजन दीजिए। और गाइस जो 5 पैरामीटर्स के बारे में बात है, सो क्लास के बाद जब कमेंट सेक्शन ओपन होगा सो उसमें आपको आंसर करना है। और प्लीज आंसर किया कीजिए, सब नहीं करते हो। गुड मॉर्निंग प्रशांत। ए, राइट, ए इज अ राइट आंसर, बिकॉज जो ओरांग नेशनल पार्क है दैट इज इन असम, नॉट इन द वेस्ट बंगाल। कहाँ है वो? असम में है, है ना? और गंगा रिवर नहीं है वहां पर, ब्रह्मपुत्र रिवर है। असम में तो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है ना,
सो वहां पे जो ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ साइड जो है, मान लो ऐसे रिवर आती है तो इसके नॉर्थ साइड में यहाँ पर जो है आपका ओरांग नेशनल पार्क है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे काफी अच्छी रिच फ्लोरा फोना जो डाइवर्सिटी है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, हाँ जी, अरे डिस्ट्रिक्ट तो सही है, दरांग और सोनीपुर डिस्ट्रिक्ट है असम में, ये सही है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्रीतम। अब ये चीज याद रहेगी हमेशा कि ओरांग जो है वो ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ में है, नॉर्थ का याद रखिएगा। ऑल्सो नोन एज ए राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, जो कि नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र के लोकेटेड है, दरांग और सोनितपुर जो डिस्ट्रिक्ट है असम के, वहां पर सेंचुरी का दर्जा 85 में और नेशनल पार्क भी है ये। सो 99 में इसको नेशनल पार्क और सेंचुरी का दर्जा मिलता है। रिच फ्लोरा फोना डाइवर्सिटी यहाँ पर है क्योंकि रिवर्स इसके पास से होके निकलती है, तो इसकी कैसी अच्छी होगी, है ना। हाँ जी बिल्कुल, और ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस पिग्मी हो, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, टाइगर्स, ये सारे आपको मिल जाएंगे। और स्पेशली एक चीज याद रखिएगा, इट इज द ओनली स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ राइनोसेरोस ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ के साइड सिर्फ एक ही ऐसा नेशनल पार्क है, एक ही ऐसी जगह है जहां पे आपको राइनोस मिल जाएंगे, राइट, और वो भी वन हॉर्न राइनोस। क्लियर है अभी, आई होप ये चीज अब क्लियर होगी। चलिए, सेलेक्ट द राइट स्टेटमेंट अबाउट द ज्योग्राफिक लोकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड सही बताइए क्या स्टेट सही है। इट इज द वॉटरवे सेपरेटिंग ईरान एंड अमान, लिंकिंग पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ अमान एंड द अरेबियन सी। ऑन द नॉर्थ कोस्ट लाइज ईरान एंड ऑन द साउथ कोस्ट आर यूएई एंड मुसांडम, एन एनक्लेव ऑफ अमान। टू थर्ड ऑफ द ऑयल एंड द हाफ ऑफ द लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंडियन इंपोर्ट कम थ्रू द स्ट्रेट बिटवीन ईरान एंड अमान, या फिर ओला टू, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा, व्हाट्स द ट्रू आंसर। स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, अभी आपको पता है कि ईरान वाली न्यूज आई थी जिसने यूरेनियम एनरिचमेंट कर दिया है, यूरेनियम जो एनरिचमेंट है उसको 20% से रिज्यूम किया है, है ना। सो उस चीज से रिलेट, और वो कहाँ पे किया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। सो उस चीज से रिलेटेड हमें इस क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये वाटरवे है जो कि ईरान अमान को सेपरेट करता है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ अमान और अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। गुड मॉर्निंग स्वाति, एवरी स्टेटमेंट यू हैव टू रीड कि नॉर्थ में ईरान है कि नहीं है, साउथ में यूएई और मुसांडम है कि नहीं है। वेरी गुड, सो डी इज द राइट आंसर। इसकी सारी जो चीजें हैं बिल्कुल सही है, ईरान अमान को सेपरेट करता है, दूसरा नॉर्थ साइड में ईरान है, साउथ में यूएई है, और टू थर्ड जो इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट अगर स्टेट की बात करी जाए तो वो आपका स्टेट स्टेट ऑफ हॉर्मुज आएगा। ओके, जिसमें काफी बहुत ज्यादा जो है ट्रेडिंग होती है, हम यहां से इसको पढ़ते हैं। ये आपका अरेबियन सी है, ये पर्शियन गल्फ है जो कि अरेबियन सी को डिस्कनेक्ट कर रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बीच में आता है इन दोनों के। आप इस साइड देख सकते हैं, ये है यूएई, ऊपर आप देखिए सारा ईरान वाला एरिया है, इधर अमान का ये छोटा सा एरिया जो इस साइड वाला आप जो है वो है मुसांडम। ठीक है, तो ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन थी। इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि क्योंकि ये वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है। यहां से अगर ऑयल की ट्रेडिंग देखें तो जो दो तिहाई ऑयल है वो यहां से ट्रेड होता है, और एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस हाफ जो है वो यहां से ट्रेड होती है। 18 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल पास थ्रू द स्टेट हॉर्मुज एवरी डे, 18 मिलियन जो है वो यहां से एवरी डे पास होता है, जो कि 1/3 है ग्लोबल ट्रेड का। A third of the world LNG trade also passes through the strait. कुछ इश्यूज भी हैं, लाइक यूएस ने अभी 5th जो फ्लीट गार्ड है वो इसमें स्टेट में लगा दी है, जियो पॉलिटिकल कुछ रोल है। कुछ रिसेंट ईयर्स में ईरान ने थ्रेटन किया था सेफ पैसेज ऑफ ऑयल टैंकर्स इन द स्ट्रेट, तो ईरान को खतरा था यहां से पास करने के लिए, तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। हाँ जी बिल्कुल सही है प्रशांत। इन्फ्लुएंजा ए टाइप ए वायरस से रिलेटेड स्टेटमेंट्स पढ़िए।
इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस हैज टू सब टाइप, जिसे आप हेमागुलेथिन ग्लूटिनिन एच ए जिसे बोलते हो एंड द न्यूरामिनिडाइज बोलेंगे। सब टाइप जो है H17N10 एंड H18N11 ऑफ हैव बीन फाउंड इन बर्ड्स एंड एक्सेप्ट बैट्स। ये आपको तकरीबन बैट्स बर्ड्स में मिल जाएगा लेकिन बैट्स को छोड़ के। इनकरेक्ट बताइए 1, 2 बोथ नन। What's the incorrect answer? हां जी विश्वजीत हुआ था, क्लास ही डेली होता है, बीच में 2 दिन के आई थिंक मैंने ऑफ लिया था बट अभी कोई ऑफ नहीं है, क्लास डेली होगा। और गाइज एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि आज 1 PM जो है अन अकेडमी पे स्पेशल क्लास होगी मेरी, जिसके अंदर हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, इंटीरियर क्या है अर्थ का, किस तरीके से इंटीरियर होता है, कैसे अर्थ के वोल्केनोस ये सब इरप्ट होते हैं और लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो सारी उस चीज पे पूरा जो डिटेल एनालिसिस होता है यूपीएससी लेवल का, उस पर हम 1 PM अन अकेडमी पे बात करेंगे, क्लास लेंगे। सो स्पेशल क्लास है गाइस, तो आपको कोई फ्री क्लास होगी बिल्कुल, so you need not to pay any kind of rupee for that and please join on time 1 PM. I will send you the link on the telegram channel. already send भी कर दिया जा चुका है तो आप प्लीज एक बार उसे देख लीजिएगा। b okay b चलो राइट आंसर इज बी, बिल्कुल सही है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी यहाँ पर गलत है एंड राइट बर्नली। सो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के ये दोनों पार्ट से ही बिल्कुल सही है। इन्फ्लुएंजा जिसे आप फ्लू भी कह सकते हो, वो एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्पेशली सबसे पहले जाके अटैक करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को 3 तरीके से, ABC। अगर हम टाइप ए की बात करें तो वो जानलेवा भी होता है, ये इतना खतरनाक होता है कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग को ये क्रिएट करता है, कोज करता है ना। सो ये वाली चीज है। नहीं राजेशी कोई कोड की जरूरत नहीं होगी बिकॉज दैट इज फ्री क्लास। While in some milder case the flu can resolve on its own, अगर कुछ थोड़ा ठीक भी होता है तो वो खुद से ठीक हो जाएगा, अदरवाइज जो टाइप ए वायरस होता है वो जानलेवा होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हैज इशूड अ सर्कुलर आस्किंग स्कूल टू फॉलो द न्यू स्कूल बैग पॉलिसी रिलीज बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, जिसका हम नॉर्मली बोलते हैं NCERT। टू स्टेटमेंट क्या है, NCERT ने अभी एक स्कूल बैग पॉलिसी रिलीज करी है, उन्होंने बताया है कि भाई इतना बच्चे को इतना पढ़ना नहीं होता है रेगुलर में, लेकिन जितनी उससे भी कई ज्यादा वो बुक्स अपने बैग में कैरी करता है राइट। और स्कूल वाले जो होते हैं वो मंगवाते भी हैं, आपने ये चीज देखी भी होगी कि स्कूल बैग बहुत ज्यादा हेवी होता है, उस चीज से रिलेटेड ये पॉलिसी निकाली गई है। तो आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, स्कूल बैग शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ स्टूडेंट अक्रॉस 1 to 9 एंड देर शुड बी नो बैग इन द प्री प्राइमरी स्टूडेंट। द पॉलिसी विल ऑल्सो रिक्वायर स्कूल टू इंट्रोड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस एज स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू कैरी मेनी बुक्स डेली। दोनों सही है दोनों गलत है। प्री प्राइमरी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कोई बैग नहीं होगा, बैग सिर्फ नहीं होते ना, कुछ जो छोटी बुक्स होती हैं वो स्कूल में ही अवेलेबल हो जाएंगी और वहीं पर उसको सिखाया जाएगा बच्चों को। गुड मॉर्निंग राम कुमार। चलिए सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, मतलब कुछ था नहीं, बट इस पॉलिसी से रिलेटेड बात ये थी कि एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए। आप देख सकते हो कि बच्चे के से ज्यादा जो वेट बहुत हैवी जो बैग होता है वो स्कूल वाले मंगवाते हैं। तो अभी NCERT ने गाइडलाइंस निकाली है कि जो स्कूल टीचर है वो पहले ही दिन बता देंगे कि भाई नेक्स्ट डे जो है वो किस बुक को या कौन सी नोटबुक जो है वो स्कूल के में लानी है, जो भी मटेरियल होगा उसी के हिसाब से वो बता देंगे। सेकेंड थिंग क्या है कि स्कूल में वार्डबोर्ड की जो है कोई फैसिलिटी अवेलेबल होगी ताकि स्टूडेंट्स अपनी बुक्स वगैरह वहां पर रख सकें। ओके तो ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन है।
Consider the following statement about Dam Rehabilitation and Improvement Project. DRIP से related कौन से statement सही है? It is fully funded by the central government. DRIP improve the safety and operational performance of selected existing dams. Which is a correct statement? 1, 2, both, none. B, okay. C, right. जो DRIP है, that is fully funded by central government or not? और क्या ये जो improve करता है safety और operation performance of selected existing dams? गाइस सेकंड वन में तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? बी तो सही है और नन गलत. इस चीज को आप एलिमिनेट कर दो कि बी और सी में से कुछ ना कुछ होगा, है ना? सो इट्स राइट आंसर इज बी. बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि कुछ ऐसे स्टेट होते हैं वहीं पर ही उसके डैम्स की सुरक्षा की बात करी जा रही है और ये फुली फंडेड नहीं होता. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक किया है DRIP विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक से एक तो इसकी सहायता ली गई है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो मनी देगा. लॉन्च फॉर रिपेयर रिहैबिलिटेशन ऑफ इनिशियली अबाउट 225 डैम प्रोजेक्ट अक्रॉस द 7 स्टेट ऑफ इंडिया. अभी इसको दोबारा से लॉन्च इसीलिए करा गया है ताकि जो बड़े बड़े डैम है अलग अलग स्टेट के अंदर 225 जो डैम रिकवर सेलेक्ट किए गए हैं इसके लिए जिसको रिपेयर करा जाएगा, जिसको रिहैबिलिटेशन के लिए रखा जाएगा. हाँ जी, मोर देन 100 ईयर्स. और वो स्टेट कौन कौन है? झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और द उत्तराखंड में जो जो ये है डैम है उन सबको देखा जाएगा. राइट. ऑब्जेक्टिव यही होता है इंप्रूव करना सेफ्टी, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस, सेलेक्टेड एग्जिस्टिंग डैम एंड एसोसिएटेड सस्टेनेबल मैनर. इसका आपको पता है, कुछ ऐसा खास नहीं है. इंस्टीट्यूशन सेटअप, पार्टिसिपेटिंग स्टेट और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो होती है वो सब इसके लिए करके पार्टिसिपेट करके सबको पूरा करेंगी. रिसेंटली द ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज स्ट्रेस्ड द नीड फॉर स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू चेक पेंगोलिन पोचिंग एंड ट्रेडिंग. अभी ओडिशा की फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ये चीज बताई है कि अभी जो पोचिंग हो रही है और ट्रेडिंग हो रही है पेंगोलिन की, उसकी हमने मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी वाया यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. ओके, सो यू हैव टू सिलेक्ट द राइट स्टेटमेंट अबाउट द पेंगोलिन. पेंगोलिन आर स्केली एंटी ईटर मैमल्स एंड दे हैव लार्ज प्रोटेक्टिव केराटिन स्किन कवरिंग देयर स्किन. स्पीसीज ऑल्सो फाउंड इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार. स्टेटस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिवन बाय द IUCN या फिर ओला टू. गिव द राइट आंसर. ओके फाइन, डी. मीन्स प्रशांत, व्हाई दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग? उन्होंने ये बोला है ना कि पोचिंग हो रही है पेंगोलिन की, ये न्यूज थी तो आपने पेंगोलिन के बारे में बताना है. आपको ये देखना है कि क्या पेंगोलिन स्केली इंडिकेटर होते हैं, छिपकली की जैसे दिखाई देते हैं मैमल्स होते हैं, उनकी स्किन जो होती है वो प्रोटेक्टिव होती है, कैरेटिन स्केल होते हैं कवरिंग देयर स्किन, उसकी स्किन पर होते हैं. ओके चलो, तो एक्चुअली ओवरऑल की बात है ये, हम इंडियन पेंगोलिन के बारे में बात कर रहे हैं. स्टेटस में दिक्कत रहेगी. इंडियन पेंगोलिन की बात करें, एक चाइनीज होता है और एक इंडियन होता है. सो इंडियन के बारे में है ये क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से आंसर कर दो. आई नो अबाउट दैट.
ओके, आप सबने बोला डी इज द राइट आंसर, है ना गाइस। ओला ट्रू वर्ड देखते ही मत कूदा कीजिए, मुझे पता है कि आप डी देखते ही ओला ट्रू मिला जस्ट कूद गए, डी इज द राइट आंसर, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। इंडियन बंगाली से क्वेश्चन था, सो पहला स्टेटमेंट जो दिया है सिर्फ वही सही है, बाकी गलत है, सिर्फ ये स्टेटमेंट सही है, दीज आर रॉन्ग, ठीक है। अब क्यों है रॉन्ग, क्योंकि ये बांग्लादेश में मिलता है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बट म्यांमार में इसका अभी तक कोई भी स्पीसी जो है वहां देखने को नहीं मिला है, तो म्यांमार ये चीज गलत हो जाएगी। और इंडियन अगर बंगालिन की बात करें तो वो चीज एंडेंजर्ड है, और अगर चाइनीज की बात करें दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट। सो ये वाली चीज यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगी और आपका आंसर ए हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो स्केल्स इस तरीके से बने हुए हैं। इंसेक्टिवोर होता है, यानी कि पेंगोलिन जो होते हैं वो नॉक्चुरनल होते हैं, इनकी जो डाइट होती है मेनली एंट और टर्माइट जो है वो ये यूज करते हैं बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग टंग। ये एंडिएटर मैमल्स होते हैं, इनकी काफी बड़ी स्किन होती है और केराटिन स्केल कवरिंग जो होती है इनकी स्किन पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से इनको मैमल बोला जा रहा है। आउट ऑफ 8 स्पीसीज ऑफ पेंगोलिन, जो इंडियन पेंगोलिन है वो और जो चाइनीज है वो आपके इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। इंडियन पेंगोलिन की बात करें तो वो इंडिया के अंदर काफी जगह मिल जाएंगे, बट एक्सेप्ट द एरिड रीजन, हाई हिमालयस और नॉर्थ ईस्ट वाली जो एरिया है वहां पर आपको इंडियन पेंगोलिन नहीं मिलेंगे। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में आपको मिल जाएंगे। जो चाइनीज पेंगोलिन है वो आपको हिमालयन फूट हिल्स में मिलेंगे, तो आप देख सकते हो कि अपोजिट है, एक हिमालय में बिल्कुल नहीं मिलेगा और एक हिमालय की कुछ जो फूट हिल्स होगा, नीचे वाला जो स्तर होगा जिसे आप शिवाली कह सकते हैं, वहां पर ही मिल जाएगा। इन ईस्टर्न नेपाल, भूटान, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश एंड थ्रू सदर्न चाइना। कंजर्वेशन स्टेटस इसका स्केड्यूल 1, एंडेंजर्ड और अपेंडिक्स 1 इसका स्टेटस अभी ये है, ओके। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, यह आपका एनवायरमेंट का स्टैटिक क्वेश्चन है। एंड ऑफ द क्लास में आप लोगों को यह बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बेस्ट था, पर्सन ऑफ द क्वेश्चन का अवार्ड देना है आपने, है ना। सो उस चीज को भी आपने याद रखी, अभी तक आप दे नहीं रहे थे। चलिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्पीसीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर द टाइम, इट लेड्स टू अ स्टेबल सेल्फ परपेचुएटिंग कम्युनिटी कॉल्ड द सिरल स्टेज। सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन, सो यू हैव टू टेल द ट्रू आंसर, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू, या फिर बोथ, वन एंड थ्री, बताइए व्हाट्स द राइट आंसर। इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, डी और ई, D means 1 and 3, A means only 1. Okay, third में doubt है, चलो okay, everyone answer guys, Biswajit your answer, हाँ प्रीतम, प्रशांत, पूजा your answer, D, राइट। सो डी इज द राइट आंसर, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू आंसर। ये जो सक्सेशन होता है लीड्स टू स्टेबल और जो सेल्फ परपेचुएटिंग जो कम्युनिटी होगी उसको आप क्लाइमेक्स कुछ स्टेज होती है, उस स्टेज को आप क्लाइमेक्स स्टेज बोलते हो। आई एम रीडिंग ओवर द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, उसे आप क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी या क्लाइमेक्स स्टेज बोलते हैं। बाकी जो पहला है इसका मतलब यही होता है कि अगर एक कम्युनिटी में प्लांट्स एनिमल रह रहे हैं एक एरिया के अंदर, तो उसको वहां से चेंज करके किसी दूसरे एरिया के अंदर लेकर जाना एक समय के बाद, ठीक है, वो होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। कि आपको
चेंज कर दिया, सक्सेस आपको मिल गई है। प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीसी स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर द टाइम, ये सही है। सेकेंडली जो सक्सेशन होता है वो बहुत जल्दी होता है कंपेरिजनली प्राइमरी की, ठीक है। और ये वाली जो चीज होती है उसे आप कम्प्लेक्स सॉरी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हो। द कम्युनिटी बिगिंस विद अ रिलेटिवली फ्यू पाइनर प्लांट एंड एनिमल एंड ग्रेजुअली डेवलप स्टेबल और सेल्फ परपेचुएटिंग स्पीसीज। अब अगर मान लो कोई एक पेड़ है, कोई एक छोटा पौधा है, तो स्टार्टिंग में वो बहुत ही नाजुक होगा, है ना, बहुत ही नाजुक सा होता है, उसकी जड़ें बिल्कुल पास में ही है, जड़ के पास में है। तो आप इसको सबसे पहले आप कहीं दूसरी जगह लेकर जाओगे, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। कंपेरिजनली जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद आप उसे कहीं किसी तीसरी जगह पर लेकर जाओ तो ठीक है। तो ये वाला चीज सेकेंडरी वाला है, दैट विल बी इजी, कंपैरिजनली इजी भी होगा, फास्टली भी होगा कंपैरिजनली फर्स्ट वन, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, प्राइमरी नहीं होता, सेकेंडरी होता है, बिकॉज सोइल न्यूट्रिएंट आर ऑलरेडी प्रेजेंट ड्यू टू द नॉर्मलाइजेशन बाय प्रीवियस पाइनर स्पीसीज। पढ़ लेना, क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब है अ कम्युनिटी दैट हैज रीच्ड अ स्टेबल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल कंसेशन सॉरी सक्सेशन। जब आप एक स्टेबल स्टेज में पहुंच जाते हो तो राइट। अ सिग्निफिकेंट वेरिएशन कैन बी सीन इन द लेंथ ऑफ द डे नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब आपको ये पता है कि सर्दियों में जो डे की लेंथ होती है वो कम होती है कंपैरिजनली समर की, है ना। अभी आप फील भी कर रहे होंगे कि कितनी शाम कितनी जल्दी शाम को अंधेरा होने लगता है। वट अमंग द बिलो स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस वेरिएशन। जो ये वेरिएशन होता है उसका सबसे बढ़िया रीजन कौन सा है? अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल मैनर, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन ए टिल्टेड एक्सिस, या फिर ऑल आर ट्रू। बताइए व्हाट्स द राइट आंसर। सी, ओके, वेरी गुड। सभी आंसर करिए। और ये जो है हम ऑलरेडी अपनी ज्योग्राफी की सीरीज में कर चुके हैं, सो जिसे नहीं आती है ये चीजें ज्योग्राफी जिसकी अभी वीक है, तो प्लीज थोड़ा सा उन्हें चेक कर लो। फ्रॉम सीजन टू सीजन, फ्रॉम सीजन टू सीजन, ये वर्ड नहीं पढ़ा आप लोगों ने, डी इज द राइट आंसर। अब आप ये देखो जो सीजन से लेंथ में जो डे नाइट टाइम में लेंथ की वेरिएशन होती है वो किस वजह से होती है? मान लो ये सन है, यहाँ पर अर्थ है, अभी क्या हो रही है, समर हो रही है, तो उस वजह से यहाँ पे डे की लेंथ जो है बढ़ी हुई होती है। जब इधर जाएगी, इधर जाएगी, सन के पीछे आ जाएगी, सन के रेज जब डायरेक्टली नहीं जाएंगी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो मतलब यहाँ विंटर है, विंटर है, तो मान लो वो क्या होगी कि जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी। रिवोल्यूशन जो करता है अराउंड द सन, दैट इज द बेसिक रीजन, टिल्टेड होने की वजह से नहीं है, ओके, उसकी वजह से डे नाइट अक्कर होना है। बट अगर आप लेंथ की बात कर रहे हो सो वो आपकी समर और विंटर की वजह से होता है। इसको हम एक इससे देखते हैं, जैसे देखो कैसे होगा, सी डे नाइट अक्करेंस होना रीजन होता है टिल्टेड होना, बट अगर आप लेंथ की बात करते हो तो वो समर और विंटर की वजह से होगा। देखो ये सन है, अब अगर यहां पर अगर अर्थ है आपकी, तो रेज कहां पे पड़ रही है? देखो सी रिवॉल्यूशन होगा, बट रीजन उन्हें बोला है कि जो अर्थ ये टिल्टेड है सिर्फ इसकी वजह से, इस टिल्ट होने की वजह से सिर्फ आपका डे और नाइट अक्कर होगा। बट अगर आप लेंथ की बात करते हो, लेंथ के केस में समर और विंटर तो आएंगे। गाइज आप ज्योग्राफी का एक बार सीरीज करना, टिल्टेड बात सही है आपकी, टिल्टेड होते ही होते ही होते ऐसे जो घूमता हुआ जाएगा उसी की वजह से डे नाइट अकर हो रहे हैं, राइट? इतनी बात समझ रहे हो? टिल्टेड से क्या होता है बताइए, फिर टिल्टेड से आप क्या समझ रहे हो?
ये जब अर्थ टिल्ट है, इस तरीके से टेढ़ी है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? आई थिंक बेस्ट इसका एग्जाम्पल वी ही रहेगा, क्योंकि अर्थ का रिवोल, वो ठीक है आपकी बात, एक्चुअली देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट भी सही है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस और अर्थ का रिवोल्यूशन अराउंड द सन ऑन इन एन इक्लिप्टिक एलिप्टिकल मैनर। वैसे दोनों स्टेटमेंट सेम ही है, फर्क नहीं है। टिल्ट चेंजेस लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। ओके, देखो अर्थ रिवोल्यूशन इन एन इंक्लाइंड पोजीशन इन एन इक्लिप्टिकल इलिप्टिकल ऑर्बिट लीड्स टू वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट ऑल ओवर द ग्लोब। इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर जब अर्थ रिवोल्व करती है इंक्लाइंड पोजीशन पे, मैं वही कह रही हूँ, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम ही, थोड़ा लिखने का तरीका है। सो इसके अंदर आपका क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो बी और सी आप दोनों कहेंगे, दोनों ठीक है। अगर ये देखो ना, अर्थ रिवोल्व कर रही है तो टिल्ट पे तो करेगी, दैट्स वाई ये वाली स्टेटमेंट सही है। अर्थ रिवोल्व करती है सन के करेगी, हाँ जी दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। तो बी और सी दोनों सही ऑप्शन आपके होंगे अगर आप आंसर करते हो तो। राइट, वैसे उन्होंने मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, ये भी मतलब सही है कि विच व्हाट अमंग द बिलो स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस वेरिएशन। सो अर्थ का रिवोल्यूशन होना सन के चारों तरफ, बेसिकली वो लेंथ ऑफ जो डे और नाइट है वो अकर करता है, उसकी वजह से ये हो रहा है ना। तो ये वाली बेशक ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, बट सी भी आंसर ठीक है। अगर आपका सिर्फ ये आंसर मिलता है कि रिवोल्यूशन ऑन अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक होगी। ओके, तो As the earth axis makes an angle of 66.5 degree with the plane of elliptic when it is summer over the northern hemisphere, sun की जो rays होती है वो directly topic of cancer पे पड़ती है, जिसकी वजह से length जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। सूर्य काफी देर जो है वो अर्थ की तरफ रहता है, it leads to longer days and shorter night in northern hemisphere। अगर दूसरी condition हो कि topic of Capricorn पे rays पड़ती है सीधी डायरेक्टली, तो लेंथ ऑफ नाइट जो है वो अपने यहाँ पर अकर ज्यादा हो जाती है। लेंथ ऑफ डे नाइट डज अकर अकॉर्डिंग टू द सीजन एंड लेटिट्यूडनल पोजीशन, और इक्वेटर पे बेसिकली दोनों चीज मोस्टली सेम रहती है। तो आंसर दोनों सही होंगे इस क्वेश्चन में। अभी डाउट क्लियर हुए कि नहीं, एक बार बताइए, ये वाला डाउट हुआ क्लियर? मोस्ट अप्रोप्रिएट के हिसाब से आप बी कर देना, अदरवाइज बी और सी दोनों ऑप्शंस आपके ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मैंने भी नहीं देखा था। सन से जब पृथ्वी दूर होती है, 3rd of January दूर नहीं, पास होती है, और अगर दूर होती है तो उससे एपिहेलियन का होता है। क्लियर है? State to report cases of dreaded avian influenza in recent days after influenza in recent days after Rajasthan, Madhya Pradesh or Kerala due to presence of H5N8 subtype of influenza A virus was reported in ducks, Himachal Pradesh puts on high alert. करेक्ट कोड 1 2 बोथ नन, इट्स फाइन फ्रॉम माई साइड, एवरीथिंग इज ओके, मेरे मोबाइल में भी सब ठीक है। 2 कन्फर्म, ओके, यू हैव टू टेल द करेक्ट कोड 1 2 बोथ नन। जल्दी बताइए क्या सही है, बी और ई। शिवम सेठ सी। चलो, इस राइट आंसर इज ए, बिकॉज ये जो हिमाचल प्रदेश पुट्स ऑन हाई अलर्ट नहीं है, केरला पुट्स ऑन हाई अलर्ट है। ये न्यूज आपने सुनी है ना, केरला को हाई अलर्ट पे लेकर आया गया है। हालांकि
H5N8 जो डक्स में मिला है वो आपके हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन उस जो ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस है वो काफी ज्यादा केरला के अंदर पाया गया है, वहां के एनिमल्स के अंदर, सो जिसकी वजह से केरला को जो है हाई अलर्ट पर लगा दिया गया है। राजस्थान सही है, वहां पे भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो वहां पे भी इन्फ्लुएंजा को देखा गया है, पाया है। MP भी सही है और केरला भी सही है, सो सेकेंड वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, अदरवाइज फर्स्ट वन विल बी योर राइट आंसर। अभी माइग्रेटरी बर्ड है काफी ज्यादा, वो डेड मिले हैं एट द पोंग डैम लेक, दैट इज ऑफ रामसर साइट भी है ये, है ना, पोंगा बाबा बैठे हैं इन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ड्यू टू द बर्ड फ्लू होने की वजह से। ये फोर स्टेट है, इससे पहले राजस्थान, MP और केरला के अंदर इन्फ्लुएंजा को देखा गया है। 1800 जो माइग्रेटरी बर्ड है उनको मरा हुआ पाया गया है, और इनमें सबसे ज्यादा जो है वो बार हीडेड जो गीज है वो सबसे ज्यादा इसके अंदर है। केरला को इसकी वजह से हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है क्योंकि वहां पे बर्ड फ्लू काफी ज्यादा फैल गया है। इन कोटायाम और अलप्पुझा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे तो सबसे ज्यादा प्रेजेंस ऑफ H5N8 जो कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है, उसकी वजह से डक्स में ये पाया गया है, और उसकी वजह से डक्स भी काफी मर रही है। और जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है वो ह्यूमंस में भी हो सकता है, जो कि जानलेवा होता है, काफी खतरनाक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट विच नेशनल पार्क फीचर्स आर गिवन, किस नेशनल पार्क के फीचर्स जो है हमने यहाँ पे दिए हुए हैं 1, 2, 3 स्टेटमेंट के अंदर। ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोस थ्रू दिस नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, लोकेटेड ऑन एज ऑफ द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, द पार्क कंबाइन हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी विजिबिलिटी एंड विजिबिलिटी, सो अकॉर्डिंगली आंसर करिए। क्या बात है, इतने सभी गलत आंसर एक साथ देंगे आप लोग, एवरीवन आंसर, बेशक 1 सेकंड ले लो, कोई बात नहीं, 30 सेकंड है आप लोगों के पास, लेकिन आंसर तो सही करिए। काजीरंगा, वेरी गुड, काजीरंगा इज द राइट आंसर। शिवम इस तरह से रिफ्लेक्ट मत हुआ कीजिए, काजीरंगा इज द राइट आंसर, ठीक है, और बी आपका सही है आंसर, नो इज नॉट ए, इट्स बी। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके अंदर से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो वहां से फ्लो करती है, और एक नेशनल पार्क में अगर कोई रिवर फ्लो करती है तो वहां की जो फ्लोरा और फोना जो डाइवर्सिटी होती है वो काफी अच्छी होती है। वन हॉर्न राइनोसेरोस यहाँ पर है, यूनेस्को के WHO स्टेटस भी इसको मिला है, और ईस्टर्न हिमालय के एज पर ये लोकेटेड है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है यहाँ पर, हाई स्पीसी डाइवर्सिटी और विजिबिलिटी जो है आपको वो इस पार्क के अंदर सब कंबाइन मिल जाएंगी। इसको टाइगर रिजर्व जो है डिक्लेयर करा गया था 2006 के अंदर, वही तो मैं कह रही हूं ना, रिफ्लेक्ट मत होइए, सही आंसर पे रहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इट इज रिप्रेजेंटिंग सिग्निफिकेंट ऑनगोइंग इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस इन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल की काफी ज्यादा जो कम्युनिटीज आपको मिल जाएंगी, क्योंकि एक तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इसलिए है ईस्टर्न हिमालय के लोकेशन पर है, दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो यहाँ से फ्लो करती है, तो इसकी डाइवर्सिटी अच्छी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट नेचुरल हैबिटेट है फॉर द इन सिटू जो कंजर्वेशन होता है डाइवर्सिटी का, थ्रेटनिंग जो स्पीसीज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इन द व्यू ऑफ साइंस एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन विद राइनो एज अ फ्लैगशिप स्पीसीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट फॉर द ईयर 2020 वाज द 8th वार्मेस्ट। IMD ने एक रिपोर्ट निकाली है, क्लाइमेट रिपोर्ट, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो 2020 ईयर था वो 8th वार्मेस्ट ईयर रहा है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द IMD, सो IMD से रिलेटेड आपको ये चीज जाननी है कि वो क्या है। इट इज एन एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज अ प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर
weather forecasting and seismology. It is the chief government agency dealing in everything related to meteorology, seismology and associated subject. Ya phir ola true. बताइए, व्हाट इज द ट्रू आंसर? बताइए क्या सही है? डी, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर. इस बार मुझे लग रहा है कि आप लोग सही वजह से ही पढ़ के कूदे हैं, सीधा नहीं कूदे हैं ना. डी इज द राइट आंसर. जो आईएमडी है दैट वाज फॉर्मड इन द 1875 में ये चीज बन चुकी है. नेशनल मीटियोलॉजिकल जो सर्विस है कंट्री की और चीफ गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि हर चीज से डील करते हैं रिलेटेड टू द मीटियोलॉजी, सीस्मोलॉजी और उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब से डीलिंग ये आईएमडी जो है वो करता है. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये आता है. ये विंटर फोरकास्ट हर साल जो है वो रिलीज करता है नवम्बर के मंथ में, जो की प्रेडिक्शन करता है ऑन द सीवरिटी ऑफ विंटर सीजन स्टार्टिंग दिसंबर टू द फरवरी का जो दिसंबर का टाइम पीरियड है विंटर का, उसके अंदर हर साल जो है वो विंटर फोरकास्ट करता है कि इस साल कितना होगा और इस साल कितना नहीं होगा. ओके, चलो एवियन इन्फ्लुएंजा से एक और क्वेश्चन है. तो इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन हमने आज करे हैं, मतलब समहाउ रिलेटेड ही हैं. सो ये अब आप कभी नहीं भूलोगे, पूरी डिटेल आपको इससे रिलेटेड मिल चुकी है. आपको राइट स्टेटमेंट बतानी है बर्ड फ्लू से रिलेटेड जो अभी डक्स में मिली है. Avian influenza is a highly contagious viral disease affecting several species of food producing birds, pet birds and wild birds. Occasionally mammals including humans may contract avian influenza. दोनों सही है, दोनों गलत है. जल्दी आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. Yes, C is the right answer. दोनों सही है. Highly contagious है, mammals including humans के अंदर ज्यादातर ये होता है. सिम्टम इसके H5N1 infections है जो कि आपको फीवर वगैरह की तरह इसके सिम्टम्स दिखते हैं. शॉक एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और बाकी आप कर लेना. ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन है इसके बारे में. प्रशांत, अभी भी आप ये आंसर कर रहे हो? नहीं, यू विल बी सेफ. वियतनाम बायज इंडियन राइस फॉर द फर्स्ट टाइम द डेकेड, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. अभी पिछले 10 सालों में वियतनाम ने पहली बार जो है इंडिया से राइस को परचेज करा है. सो आपको थोड़ी स्टेटमेंट्स को चेकआउट करना है. वियतनाम इज अ वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस. इंडिया इज अ वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस. इन करेक्ट कोड, 1-2 बोथ नन. बताइए, सी दोनों गलत हैं. ओके, टू द राइट आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड. सभी आंसर यही, एक ही के पीछे भाग लो सब. अपनी एक अलग से लाइन बनाइए. लाइक द प्रशांत, लाइक शिवम. डी इज द राइट आंसर. दोनों स्टेटमेंट ठीक है. मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो है रिवर्स है दोनों, पर दोनों सही हैं. सी नहीं है, इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सी है? नन भाई, कोई गलत नहीं है. वियतनाम जो है थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का, लेकिन इंडिया जो है वो वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है राइस के केस में. हाँ, कौन बिगेस्ट हुआ? थर्ड बिगेस्ट है मनीषा, थर्ड बिगेस्ट है, थर्ड बिगेस्ट.
और दूसरी बात है ये बिल्कुल, लेकिन इंडिया के जो प्राइस है वो काफी ज्यादा सस्ते हैं, काफी ठीक हैं, जो कि अट्रैक्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज को। दैट्स व्हाई वियतनाम ने इसको परचेज किया है अपनी कंट्री से। वियतनाम बाइंग द ग्रीन फ्रॉम राइवल इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डेकेड। वियतनाम जो है वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है राइस के केस में, इंडिया इज द बिगेस्ट, नहीं बिगेस्ट है अकॉर्डिंग टू द हिंदू, जो चीज थी वो उस अकॉर्डिंग मैंने आपसे क्वेश्चन को पूछा है। प्राइस अभी राइज हो गई है जिसकी वजह से डोमेस्टिक जो सप्लाई है वहां पे काफी ज्यादा लिमिटेड जो है इसकी सप्लाई हो पा रही है। द परचेज अंडरस्कोर टाइटनिंग सप्लाई इन एशिया विच लिफ्ट प्राइसेज इन 2021। अभी 2021 में चावल का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, फिलहाल तक सही है। इवन फोर्स ट्रेडिशनल बायर्स ऑफ राइस फ्रॉम थाईलैंड वियतनाम टू स्विच टू इंडिया। जो थाईलैंड और वियतनाम के जो बायर्स हैं वो अपनी इंडिया की तरफ अभी इसकी वजह से आ रहे हैं। इंडिया वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है राइस के केस में, 20 में अगर देखा जाए तो 14 मिलियन टन जो है राइस को हमने एक्सपोर्ट करा है। ओके हाँ जी, गुड मॉर्निंग संदीप। चलिए आज की क्लास इतनी ही है, इतने ही क्वेश्चन थे। अभी आपके कमेंट सेक्शन के लिए ये क्वेश्चन है कि आरबीआई डीपीआई इंडेक्स निकाला गया था जिसके अंदर 5 पैरामीटर थे, जिसमें वो डीपनिंग और पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट को मेजर कर रहे थे ओवर ए टाइम पीरियड। सो आपको इस चीज के बारे में बताना है कि वे 5 पैरामीटर कौन से हैं, उन 5 पैरामीटर्स को आपको आंसर करना है। दैट इज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, राइट प्रशांत, है ना? तो 5 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बताइए, सॉरी पैरामीटर्स बताइए उनके नाम, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, आप सभी को आंसर करना है। 1 PM पे क्लास होगी अनअकैडमी पे, राइट, और उसमें हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज ज्वाइन देयर। पर्सन ऑफ द क्वेश्चन बताइए, पेंगोलिन वाला। ओके चलो ठीक है, पेंगोलिन अच्छा था, बाकी और भी कई क्वेश्चन आज अच्छे थे, राइट। सो 1 PM क्लास है, टेलीग्राम पे आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया गया है। 2 क्लास है गाइज, हाँ 2 क्लास है, एक 1 PM होगी और एक 9 PM होगी, तो दोनों क्लास को प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा ऑन टाइम एंड शो अस योर सपोर्ट। एक्चुअली आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल विद यू ऑल। आंसर राइटिंग आप लोग करते ही नहीं है। दूसरा, प्लीज शो मी योर सपोर्ट, I am actually very very comfortable with you all, so please अगर आप वहां पर आएंगे so that will be really helpful for me, okay? Thank you so much for the class and have a nice day. Please join the session.